राजपूत हैं, कारण बीजेपी का राजपूतों का टिकट काटना और बेरोजगारी पर ध्यान गौर नहीं करना, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव में हमारे पास ठाकुर प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी मायावती से टिकट पाए हुए हैं, हम चाहते हैं राजेंद्र सोलंकी को। चुनावी माहौल, भीषण गर्मी, बात की जाती है तो इस समय देखते हैं कि चारों तरफ फसलों में किसान लोग भी कार्य कर रहे हैं। अब हम हैं ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर के विधानसभा क्षेत्र जेवर में। यहाँ पर एक गांव है मिर्जापुर, यहाँ पर जो है प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि कुछ लोग तो हमें बैठे मिलेंगे, क्या उनकी राय है और किसको वो अपना मत देना चाहते हैं, क्योंकि इस समय गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर महेश शर्मा को, जो कि वर्तमान में सांसद हैं, बात करी जाती है गठबंधन की समाजवादी पार्टी इंडिया से डॉक्टर महेंद्र नागर, एवं बीएसपी की बात करी जाती है तो बीएसपी से राजेंद्र सिंह सोलंकी को खड़ा किया है। लोग किसके लिए वोट देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं और चलते हैं गाँव की ओर। क्या नाम है जी? विजयपाल है जी। विजयपाल जी, ये मिर्जापुर गांव है। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा चुनाव अच्छा चल रहा है। ठीक है जी। और हर प्रत्याशी हाँ जी चुनाव मैदान में है, आपके पास भी आ रहे होंगे, क्या आपका रुख है और आप किसको वोट करना चाहते हैं? मेरा नाम तो रौनिया है, मैं तो रौनिया से है मिर्जापुर में आया हूँ। ठीक है जी। और रही प्रचार की बात, प्रचार तो हमारे फूल पे रहेगा। क्या वजह है इसकी? नहीं, वजह क्या है, जो सरकार ने अब तक जो किए हैं, हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने, उन्होंने अच्छे काम किए हैं। क्या काम किए हैं? बढ़िया काम किए हैं, बताओ क्या कमी छोड़ी है? आप योगी मैं उन्होंने की बात क्या कर कमी रहे हैं? छोड़ी है उन्होंने, ये गुंडागर्दी सब बंद करी है, हर काम किए हैं, तो हम तो फूल पे ही दंगे। विकास की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर का जो जन्म था, हाँ, जो गौतम बुद्ध नगर बनाया था, हाँ जी, वो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बनाया था और मायावती की पार्टी मायावती ने बनाया था राजेंद्र सिंह सोलंकी चुनाव मैदान में। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? देखो ये तो इनसे बात करो, मैं भी किसान आदमी हूँ और भैया बैठे हैं, इनसे बात कर लो। हाँ, मैं तो पहली बार ही यहाँ बैठा। हाँ, बीजेपी। नाम रमेश चंद। रमेश चंद जी, क्या कहना है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा चुनाव की? लोकसभा क्या है और किसे पसंद कर रहे हैं, क्या वजह? लोकसभा चुनाव में हम बदलाव चाहते हैं, राजपूत हैं, कारण बीजेपी का राजपूतों का टिकट काटना और बेरोजगारी पर ध्यान गौर नहीं करना, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव में हमारे पास ठाकुर प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी मायावती से टिकट पाए हुए हैं, हम चाहते हैं राजेंद्र सोलंकी को। लेकिन दूसरी ओर जो भाजपा ने है वो काफी गौतम बुद्ध नगर में विकास कराया है, एयरपोर्ट बनना है, फिल्म सिटी जैसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। वो बात सही है आपकी, विकास कराया, लेकिन ठाकुर को धुतराते हुए, उनके टिकट काटते हुए, सम्मान न करते हुए, उसका विश्वास पर विचार करते हुए, इसलिए हमने पार्टी का बहिष्कार करना चाहते हैं। और वो विधानसभा में है, लोकसभा सीट का जो टिकट बार बार महेश शर्मा को दे देना। लेकिन रमेश चंद्र और बतला, आप कह रहे हैं ठाकुर को प्रत्याशी नहीं बनाया, तो यह गौतम बुद्ध नगर में तो ठाकुर समाज से कोई दावेदार ही था भाजपा में? काफी दावेदार हैं, क्यों नहीं है भाजपा में? काफी दावेदार है। और भाजपा में कई बड़े लेवल से ठाकुर चेहरे हैं, खुद राजनाथ सिंह क्या, जब मुख्यमंत्री योगी जी भी ठाकुर बरादरी से। 2014 में जिस टाइम चुनाव हुआ था इसके, बीजेपी आई थी, तो उसमें लोकसभा में 30 ठाकुर प्रत्याशी क्या वो सदस्य थे, और आज की डेट में जो टिकट दिए हैं वो 8-10 ठाकुरों को दिए हैं, सारे काट दिए, तो ठाकुर को धिक्कारती जा रही है, उच्च जाति को, राजपूत को हटाती जाती है, गौर ही नहीं कर रहे उस पर, तो इसलिए हम बदलाव चाहते हैं, इसीलिए राजेंद्र सोलंकी को हम टिकट करते हैं। यानी आपका ये कहना है कि जो ठाकुर समाज है वो मुंह तोड़ जवाब इसी बात से नाराज है? इसी बात से नाराज है। काम से कोई नाराज नहीं है इसके, महेश शर्मा काम से नाराज है, योगी का काम से कोई नाराज नहीं, मोदी के काम से कोई नाराजगी नहीं है, हमें बढ़िया काम किया, देश के लिए विकास किया, देश को उन्नति की राह पर ले गए। लेकिन महेश शर्मा
जीतने के बाद में 5 साल तक कहीं भी आते ही नहीं दोबारा, दिखाई नहीं दिया, कोई दिखाई। मेरा नाम मोहर सिंह राणा। मोहर सिंह राणा जी, ये बताइए क्या कहना चाहता है? अभी इन्होंने कहा कि जो ठाकुर समाज की अनदेखी हुई है वो भी नाराज है, मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो भी अपनी जगह सही कह रहे हैं, सरकार तो हम बीजेपी चाहते हैं, सरकार बीजेपी चाहते हैं, लेकिन जो प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा को उन्होंने तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है, प्रत्याशी बढ़िया नहीं है, क्या वजह है? प्रत्याशी बढ़िया तो खूब आते जाते हैं, काफी विकास भी हुए, जनता की कोई सुने ही नहीं, लोकप्रिय नहीं है, कभी जाने नहीं आने। फिर दूसरी बात एक और है कि चाहते तो हम हर वक्त योगी और मोदी है, सांसद की में कोई ऐसो ना करे या क्षेत्र में कि कहीं के 10-20 बालक गामन के या कोई जहाँ इनको बहुत पावर हो, सरकार तो बीजेपी क्या। अब ये जो बड़े लेवल का, जो देश का बड़े लेवल का एयरपोर्ट यहाँ बन रहा चेवर में, ये सांसद डॉक्टर महेश शर्मा की ही पहल का एक हिस्सा माना जाता है, तो एक पहल को हिस्सा माना जाता है। तो बालक जो बोले हमारे यहाँ आ रहे हैं, वहाँ के जो है केरल के यहाँ के, इनको यो कह रहे लोकल वहाँ जा वहाँ का उनको पावर, तो बच्चे अपने घर पर 20-20 हजार की नौकरी, लेकिन वो तो भाजपा सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ की स्थानीय कंपनी है उनमें 40% स्थानीय बच्चों को दिया जा रहा, कहीं ना ले रहे। तो जो रोजगार नहीं मिला स्थानीय युवकों को, उसको लेकर आपकी खासी नाराजगी। स्थानीय सांसद जो प्रत्याशी है उन्होंने कोई पहल नहीं की बेरोजगारी को लेकर। क्या नाम है जी? मेरा नाम धर्मेंद्र है जी। धर्मेंद्र जी, आप एक युवा है, युवा शक्ति होने के नाते आप इस गौतम बुद्ध नगर के चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं? नजरिए से ऐसे देखें जी, देखो जमीन गई हमारी, कंपनी आई है, गेट पर भी खड़ा ना होंदे हो जी, 250 किलोमीटर दूर को चाहिए। तो सांसद है ये जो नेता, इनको ये फर्ज बने का, मतलब यहाँ के जो कुछ लड़का उनको मतलब जो लगने चाहिए, कहाँ जाएंगे ये लगने को, कहाँ जाएंगे बताओ। लेकिन जनप्रतिनिधि जो है, जो सांसद है, विधायक, उनका ये साफ कहना है जो 40% स्थानीय कंपनियों में उन्होंने आरक्षण लागू कर दिया, लेकिन है नहीं, अभी कुछ भी नहीं, कागजों में खाली, मतलब सिर्फ एक कागजी घोड़ा है, बस यही है। कह रहे कौन है आप? हमारी पसंद तो देखो रोड तो फुल हुई ही, पर अब क्या करें, मजबूरी बन गई, बार बार यही खड़ो कर दे के दो जी आइए दो आइए दो, यानी आपका मन ऊब चुका है डॉक्टर महेश शर्मा के प्रति, अब आप बदलाव चाहते हैं। बदलाव का तो मजबूरी बन गई ना, और क्या करें, यानी महेश शर्मा मतलब बीजेपी तो नाराज नहीं है, सरकार तो नाराज, वोट तो फूल हुई ही, सरकार तो नाराज आज नहीं है, सरकार तो वही सही है, वही चाहिए, लेकिन मजबूरी। अब आप राजेंद्र सिंह सोलंकी को पसंद? राजेंद्र सिंह सोलंकी दे रहे जी ठोक के वोट करके। क्या नाम है जी? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, क्या कहना है? मिर्जापुर गांव में हमारी टीम आई है, क्या लोगों का रुख है, और आपके पास भी प्रत्याशी आ रहे होंगे, चुनाव का माहौल चल रहा है, किस नजरिए से देख रहे हैं? नहीं, वो तो बात आपकी सही है, लेकिन जो कैंडिडेट है वो ठीक नहीं है, ये मजबूरी चल रही है, सरकार ये हो बीजेपी की हो चलेगी। आप कह रहे कैंडिडेट महेश शर्मा है, उससे आपकी नाराजगी है, तो महेश शर्मा को भाजपा ने मंत्री भी बनाया, 2 बार के सांसद है, जनता के बीच आते भी है, एयरपोर्ट भी लेकर आए, फिल्म सिटी भी सरकार में बन रही है, तो बताओ जब दो बंदे नहीं लग सके यहाँ से हमारे, कहाँ काम के, कभी मौत में नहीं, कभी बता रहे में नहीं, कभी बीच बूच में कोई धोखा धड़ी, कोई किसी भी बात में नहीं, बस अब सांसद बन गए, अब बस चले जाएंगे, बस बाकी दर्शन तक के तोड़ा रहते हैं।